हेलो एवरीवन दिस इज प्रियंका एंड यू ऑल आर वाचिंग ऑर्गेनाइजोपीडिया तो जब मैंने अपना लास्ट लिविंग रूम टूर वाला वीडियो अपलोड किया था तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि ये जो पीछे लेडर शेल्फ रखा हुआ है उस पर मैंने क्या चीजें रखी हैं और क्या क्या चीजें होती हैं जो मैं दिमाग में रखती हूँ जब मैं अपने शेल्व जो भी मेरे घर में जिस भी जगह पे हैं उसको जब डेकोरेट कर रही होती हूँ ताकि बहुत ज्यादा क्लमजी ना लगे और देखने में थोड़ा सुंदर भी लगे तो आज क्योंकि मुझे लगा ये टॉपिक बहुत अच्छा है और यूनिक है इसको डेफिनेटली वीडियो में कभी ना कभी तो कवर करना चाहिए तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही पॉइंटर्स हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली अः हमको इंटीरियर डिजाइनिंग के टाइम में पढ़ाए जाते हैं डेकोरेशन से रिलेटेड नहीं बट जब हम कोई वॉल के ऊपर भी कुछ शेल्फ लगा रहे होते हैं तो हमें किस तरीके से उसको रेशियो एंड प्रपोर्शन में डिवाइड करना चाहिए ताकि उस वॉल के ऊपर वो जो शेल्फ है वो अगली ना लगे ज्यादा वेट ना हो जाए एक उस तरफ तो वही सब चीजें होती हैं जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू डेकोरेटिंग योर होम एज वेल सो आज कुछ वही बेसिक से पॉइंट्स हैं जिसको मैं कवर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं अपने घर के शेल्फ डेकोरेट करती हूँ और आपको भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे वही सेम चीजें आप आपके घर पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सो विदाउट एनी फर्दर अ लेट्स गेट इन टू द वीडियो नाउ सो दिस इज द फर्स्ट शेल्फ दिस बेसिकली इज अ पार्टीशन विथ सेपरेट लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस सो जो ऐसे पार्टीशन वाले शेल्फ होते हैं वो बैक साइड से ओपन होते हैं तो जब भी आप यहाँ कोई सामान रखेंगे तो जो पीछे जैसे आप देख सकते हैं मेरा जो क्रॉकर यूनिट है वो विजिबल है तो एक टाइप का शेल्फ ये हो गया दूसरी टाइप का शेल्फ होते हैं जो आप वॉल के ऊपर फिक्स कर देते हैं चाहे बाहर से ला के करें या फिर आप जब कार्पेंट्री काम चल रहा हो तब आप इसको फिक्स करवा सकते हैं इसको आप रख सकते हैं क्योंकि पीछे कोई भी चीज विजिबल नहीं हो रही है तो ये अपने आप में एक आर्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है बट यहां पर आपको बैलेंस करना पड़ता है पीछे और आगे दोनों को एक साथ फर्स्ट एक इंपॉर्टेंट टिप जब भी आप कोई एट्रफेक्ट खरीदते हैं तो कोशिश करें तीन के सेट में होगा क्यों वो मैं आपको आगे बताती हूं so, हमारा जो सबसे एक इंपॉर्टेंट और सबसे एक अच्छा तरीका होता है हम हॉरिजोन एक लाइन में एट्रफेक्ट रख देते हैं सो वॉट यू कैन डू इज जो बीच वाला एट्रिफेक्ट है उसको पीछे की तरफ पुश करें उससे आप शेल्फ की डेफ दिखा सकते हैं लेफ्ट एंड राइट में थोड़ा कर्व कर दें उससे आप एक्चुअली में अपने एट्रफेक्ट के थ्रू आपका शेल्फ का पैटर्न क्या है उसको बहुत अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं नेक्स्ट अगर आपके पास बहुत सारे और नहीं है, so books. Books आप दोनों तरीके से रख सकते हैं अगर मैं बोल रही हूँ तो एक ऑब्जेक्टिव होता है अब आप कोई भी रखेंगे, उसको आप हाइट दे रहे हैं और वो एट्रीफेक्ट आपका जो फोकल पॉइंट होगा इस पूरे शेल्फ के लिए वो उसको एलिवेशन से मिल रहा है बुक्स को आप वर्टिकली रख सकते हैं और एट्रीफेक्ट उसके आगे रख एज बुक एंड यूज कर सकते हैं सो so, यहां पर बेसिकली मैंने एक ग्रुप बनाया है लेफ्ट साइड में अब राइट right साइड में इस ग्रुप को बैलेंस करने के लिए एक मैं ऐसा एट्रीफेक्ट ले रही हूं जिसकी हाइट और विर्थ लेफ्ट साइड से मैच हो रही है और ये एटर मैंने बुलबुल शॉप से लिया है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपके पास इतना बड़ा एट्रफेक्ट नहीं है सो वॉट यू कैन डू इज आप छोटे छोटे एट्रफेक्ट फिर से लेके उसका एक और ग्रुप बना सकते हैं उससे भी आपका लेफ्ट साइड राइट साइड के साथ में बैलेंस हो पाएगा सो दिस बेसिकली इज कॉल्ड एज यू नो टू बैलेंसिंग अ प्रॉपर रेशियो एंड प्रपोर्शन ऑन बोथ द साइड सो बीच का स्पेस जो है खाली वाला उसको बोला जाता है डेकोर टर्म्स में नेगेटिव स्पेस वो आपको खाली रखना पड़ेगा यू हैव टू लीव अ नेगेटिव स्पेस ताकि जो दो ग्रुप्स हैं वो इंडिविजुअल रहे और जब आप उसको देखते हैं तो आपका जो एक आई लेवल है वो लेफ्ट से राइट right की तरफ शिफ्ट हो पाए और बहुत ज्यादा क्लमजी और ओवरवेलमिंग ना लगे सो so, प्लांट्स हमेशा ऐड करें शेल्फ डिजाइन कर रहे हो शेल्फ को डेकोरेट कर रहे हो तो क्रीपर्स रखें उसकी वजह से एक जो फॉलिंग इफेक्ट आता है वो देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगता है प्लस ग्रीनरी भी ऐड होती है और सबसे सस्ता तरीका है शेल्फ को डेकोरेट करने का सो so, कुछ ये पॉइंटर्स हैं जो मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ स्पेशली जब मैं अपने इस पार्टीशन वाले शेल्फ को डिजाइन कर रही हूँ ताकि पीछे जो मेरी क्रॉकरी यूनिट है वो खराब ना लगे नेक्स्ट कुछ इस तरीके के शेल्फ जो कि मूवेबल होते हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर आराम से आप रख सकते हैं नीचे वाला पार्ट में इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज इसको मैं यूजुअली डेकोरेट नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ पर आ जाता है सोफे का आम जो कि दिखता नहीं है सो so, ऊपर वाले ही जो पार्टीशन है उसको ही मैं यूज करती हूँ फॉर डेकोर तो चलिए देखते हैं कैसे कलर स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जब भी हम शेल्फ को डेकोरेट कर रहे होते हैं वो किस हिसाब से होनी चाहिए कि आपके वॉल और शेल्फ जो है वो मैच होना चाहिए या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए सो व्हाइट वॉल है डार्क ब्राउन शेल्फ है, तो कुछ ऐसे ही लेने पड़ेंगे जिसमें कि शेल्फ ज्यादा ना दिखे आपके ज़्यादा तो मैंने व्हाइट कलर के एटरफेक्ट रखे हैं और शेल्फ जो है वो आप देख रहे हैं ना कि पहले सबसे छोटा है फिर बड़ा फिर उससे बड़ा तो हमें ऐसे एट्रफेक्ट रखने पड़ेंगे जो थोड़े से बल्कि हों और एक ही पार्ट में आराम से आ पाए लाइट्स ऐड कर सकते हैं स्पेशली कुछ इस तरीके के शेल्फ जो कि कॉर्नर में होते हैं अंदर की तरफ घुसे हुए होते हैं तो वहां पर आप लाइट्स ऐड कर सकते हैं ये लाइट्स जो है वो मैंने परचेस करी है बुलबुल शॉप से इसको आप एक कॉर्नर में रख दें और इसके आसपास आप छोटे बड़े जैसे भी चाहें आप एट्रीफेक्ट रख सकते हैं अगेन मेक श्योर कि आप तीन ही रखें इससे ज्यादा ना रखें और लाइट ऑन करें और आपका जो शेल्फ है वो रहे सो so, आज इस वीडियो में दिखाए गए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब मैंने परचेज करे हैं बुलबुल ऐप से सो बुलबुल क्या है इंडिया का फर्स्ट वीडियो शॉपिंग ऐप है जिसमें ना सिर्फ आप पिक्चर्स देखते हैं जो कि आप यूजुअली जितने भी आपके ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनमें आपको सिर्फ पिक्चर देखने के लिए मिलती है बट यहां पर आपको पिक्चर के साथ-साथ उसका वीडियो भी देखने के लिए मिलता है यानी कि आपको उसकी एक्चुअल जो यूजेबिलिटी है वो पता चलती है जब भी आप कोई चीज को वहां से ऑर्डर करते हैं परचेस करते हैं तो आपको उसका एक प्लस पॉइंट होता है कि आप उस जो जिस हिसाब से आप उसको आ, सोच रहे थे आपको उसके और तीन तरीके मिलते हैं कि आप इसको अपने घर में किस तरीके से यूज कर सकते हैं सो so, दिखाए गए प्रोडक्ट्स में से अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो जो लिंक है मतलब जो मेरा खुद का बुलबुल बुल पर एक जो शॉपिंग स्टोर है वहां से जाकर के आप इन सारे प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं परचेज कर सकते हैं और भी बहुत सारे वहां पर कैटेगरीज हैं आप उसको भी चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं ज अलम विच कम्स इन माई लिविंग स्पेस ओनली एंड टू डेकोरेट दिस पर्टिकुलर पार्ट आई है तीन के सेट में आते हैं ये सबसे बड़ा है इससे छोटा फिर इससे छोटा सो so, जब भी आप आ, इस तरीके से किसी वॉल के ऊपर शेल्फ बना रहे हों तभी मेक श्योर करें कि आप ऑड नंबर के साथ में प्ले करें उससे आप अभी देखेंगे कि जो आई लेवल है वो टॉप टू बॉटम शिफ्ट होगा यानी कि एक प्रोग्रेसिव फॉर्म रहेगी ऐसे ही जब इसमें आप कोई एट्रिफैक्ट रखते हैं तो वो भी आप ऑड नंबर में रखें यानी थ्री फाइव या सेवन में उससे ये होगा कि आपका जो आई होगा वो अगेन शिफ्ट करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट सो इस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं अब इसको डेकोरेट करने के लिए मैं जो सबसे सिंपल तरीका है यहाँ पर आप जो एक पैटर्न है उसको एक ही चीज में फॉलो करें जैसे मैं यहाँ पर सेम तरीके के जो गणेश जी के आइडल हैं वो रख रही हूँ अगेन ये मैंने बिलबुल

सो नेक्स्ट अब बात करते हैं क्रॉकरी यूनिट की सो so, मेरा ये जो क्रॉकरी यूनिट है इसमें ओपन शेल्फ है अगर आपके पास कोई क्लोज्ड ग्लास वाला जिसमें विजिबल होते हैं शेल्फ आप उसको भी डेकोरेट कर सकते हैं सो so, बेसिकली आपको किचन से रिलेटेड सामान यूज करना है मैं यहाँ पर प्लेट्स यूज कर रही हूँ सॉसर्स प्लेट्स क्वार्टर प्लेट्स इससे हम हाइट देंगे प्लस थीम मेंटेन रहेगी सो so, इस तरीके से कुछ मैंने एक ग्रुप बना लिया है अब पीछे थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए मैं ये वुडन प्लेटर यूज कर रही हूँ अगेन किचन से रिलेटेड है अब आपके पास जो मैं सेम क्रॉकरी या फिर जो सेम मेरा डिनर सेट है मैं उसको ही यूज कर रही हूँ सो बेसिकली ये बोल्स हैं इसको हम डायरेक्टली एज इट इज रख सकते हैं बट थोड़ा सा इसको स्टाइल करने के लिए जो एक हैक है वो ये है कि चार बोल आप एज इट इज रखें और जो दो बोल होंगे आप उसको कुछ इस तरीके से रखें ये रुकेगा नहीं उसको रोकने के लिए वॉट यू कैन डू इज जस्ट कीप अ या फिर कोई क्वन रख दे और आपका एक जो सुंदर सा एक ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा जब इसे आप शेल्फ के ऊपर रखेंगे तो वो देखने में और भी ज्यादा अच्छा लगेगा तो आप इस तरीके से कोई भी यू you नो know, आपके पास कैसे भी बोल्स पड़े हुए हो आप उसको इस तरीके से अपने शेल्फ के ऊपर रख सकते हैं फॉर डिजाइनिंग एंड कुछ इस तरीके से मैंने इसको अगैन राइट साइड में रखा हुआ है स्पेस दे रही हूँ ताकि एक नेगेटिव स्पेस आए और दो चीजें अलग अलग डिफ्रेंशियट हो पाएं कलर ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर एक ये जो वॉटर कंटेनर है या जो वाटर जार है डिस्पेंसर है मैं उसको रख रही हूँ अगैन ये मैंने बुलबुल शॉप से ही लिया है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहाँ पर आप इस तरीके से रख सकते हैं बट क्योंकि पीछे वाले जो बोल्स होंगे वो दिखेंगे नहीं सो मैं इसको एज इट इस इज यहाँ पर ऐसे रख रही हूँ दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया लेफ्ट साइड में एक ग्रुप है और राइट right साइड में एक ग्रुप है थोड़ा सा स्पेस नेगेटिव मैंने छोड़ा है है ताकि दोनों ग्रुप्स अपने आप में अपना एक इंडिविजुअलिटी जो है, वो मेंटेन कर सके ये वाला जो शेल्फ है वो हाइट में ज्यादा है तो यहाँ पर मैं हाइट के साथ में प्ले करूंगी सो मैंने एक पीछे एक वेस्ट रखा हुआ है और दो कप्स अगैन मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से डिफरेंट हाइट पर जो कि हाइट मेंटेन करे अगर आपके पास में अगर ऐसे छोटे बड़े कप्स नहीं है तो आप नीचे कोई प्लेट रख सकते हैं उससे भी आप हाइट दे सकते हैं so, जब हाइट वाले शेल्फ आएंगे तो उसके साथ आपको हाइट के हिसाब से उसको डेकोरेट करना है अब यहाँ पर जो ऊपर वाला शेल्फ है वो हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा ब्रॉड है या बड़ा है उसके लिए मैंने यहाँ पर एक आ, ट्रे ऐड करी है जिससे थोड़ा सा कलर आएगा और किचन से रिलेटेड सामान आप यहाँ रख सकते हैं सो so, मैं यहाँ पर आई एम जस्ट एडिंग टू कॉफी मग्स जो कि कलर ऐड करेंगे राइट right साइड पर मैं यहाँ पर एक और सिंपल सा व्हाइट कलर का कॉफ़ी मग ले रही हूँ और सबसे एक जो कुछ भी नहीं हो घर के अंदर आप उन चीज़ों के साथ में भी शेल्फ जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं सो so, मैं यहाँ पर स्ट्रॉ ऐड कर रही हूँ उससे कलर भी आएगा प्लस हाइट भी मिलेगी एंड बीच में क्योंकि नेगेटिव स्पेस अब नहीं रहा क्योंकि हमने पीछे की तरफ एक ट्रे रख दी है तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर एक सॉसर और कप रखूंगी ताकि थोड़ा सा एक सिमेट्री रहे और ओवरऑल जो एक लुक है वो सूदिंग हो आइस के लिए सो so, कुछ इस तरीके से आप जो शेल्फ है क्रॉकरी यूनिट वाले उनको डेकोरेट कर सकते हैं तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो शेल्फ होते हैं उनको हम डेकोरेट कर सकते हैं भले ही वो शेल्फ आप ऑनलाइन या मार्केट से ला रहे हो या फिर आपके वॉल पर आपने फिक्स करा हुआ हो उन दोनों को डेकोरेट करने के जो वेज थे वो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है तो सेकेंड चीज हो गई है वो ये है कि मैं अभी कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ नॉट फॉर द सेक ऑफ वीडियोज और फॉर मेकिंग वीडियो की मुझे कॉन्टेंट नहीं मिल रहा है तो मैं कहीं और जाके इंटीरियर का वीडियो दिखाऊं आपको या मेक ओवर का दिखाऊं या मैं किसी और के घर में जाके कुछ वीडियो क्रिएट करूं फिर मैं वो लाऊं वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ ना मैं आगे भी करने भी वाली हूँ और दो तो चार महीने बिकॉज केसेस अभी बहुत ज्यादा एकदम से इंक्रीज हो रहे हैं स्पेशली एनसीआर में सो so, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ और जो भी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही तो ये तो आपको एक बहुत अच्छी चीज लगनी चाहिए कि एक ही स्पेस पे मैं आपको 50 तरीके बताती हूँ कि उस एरिया को आप कितने डिफरेंट डिफरेंट वेज में डेकोरेट कर सकते हैं सो so, इसमें तो मुझे लगता है कि ये तो और ज्यादा क्रिएटिविटी होनी चाहिए और आपको भी वो और तरीके मिलते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को सेम स्पेस को क्योंकि घर तो किसी का शिफ्ट नहीं हो रहा है घर तो कोई इतना फ्रीक्वेंटली अपना चेंज नहीं करता है तो तो ये आपके लिए एक एक बहुत पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है कि मैं अपना उसी स्पेस को कैसे आपको बार बार रीडेकोरेट करके दिखा रही हूँ सो आप भी वो चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये कुछ चीजें हैं सो आई रियली होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब शेयर दिस वीडियो विद फैमिली और स्टे होम स्टे सेफ क्योंकि अभी हमें सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है तो घर पर रहिए और स्वस्थ रहिए मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय